पाकिस्तानी इंसानी हकूक की वकील मैरी जेम्स गिल को पाकिस्तान में खाक रोबों के हकूक की जदोजहद के लिए स्वीडन के एना लिंड अवार्ड से नवाजा गया। मैरी गिल ने पाकिस्तान में पसमांदा ग्रोहों को माशरे में मुस्तहकम करने के लिए अनथक कोशिशें की। स्वीडन की एक गैर सरकारी तंजीम एना लिंड मेमोरियल फंड ने अपने सबसे बड़े एना लिंड अवार्ड 2020 को पाकिस्तानी इंसानी हकूक की वकील मैरी गिल के नाम किया। एना लिंड मेमोरियल फंड ने अपनी एक प्रेस रिलीज के जरिए अवार्ड का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तानी इंसानी हकूक की वकील मैरी गिल ने पाकिस्तान में सफाई के कारकुनान और दूसरे पसमांदा ग्रोहों को माशरे में मुस्तहकम करने के लिए अनथक कोशिश की। पाकिस्तानी इंसानी हकूक की वकील ने अपनी अनथक मेहनत के जरिए पाकिस्तान में खाक रोबों की हिफाजत और वक्कार में इजाफा करने में एक मिसाली काम किया। स्वीडिश तंजीम का कहना था कि सफाई के कारकुन खौफनाक हालात में काम करते हैं और उनकी तरफ कोई कम ही तवज्जो देता है। मरियम गिल को इनाम देकर एना लिंड मेमोरियल फंड दुनिया भर में सफाई सुथराई के कारकुनान की सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहती है। एना लिंड मेमोरियल फंड की चेयरमैन लीना का कहना था कि मरियम गिल को एना लिंड इनाम से नवाजने पर वो बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं।